डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर सारा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि डॉक्टर कलाम अभी भी जिंदा है। डॉक्टर कलाम जैसी शख्सियत के लोग कभी मरते नहीं, बल्कि मरकर वो अमर हो जाते हैं। वे युगों युगों तक अपने विचारों, अपनी जीवन शैली के अलौकिक दीप से पीढ़ी दर पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं डॉक्टर कलाम से कभी मिला तो नहीं, लेकिन मैंने जितना उनको समझा, उनको जाना, उनके विचारों को सुना, उन्हें पढ़ा, उतना ही उनके करीब होता चला गया। उनके सपने, उनका संघर्ष, उनके टीचिंग्स, उनकी लर्निंग्स, उनके विचार, उनका व्यवहार, उनकी सौम्यता, उनकी सादगी, उनकी जिंदा दिली, उनकी ताजगी, सब कुछ अद्भुत है और अपने आप में एक मिसाल है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर कलाम के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ऐसी चार लर्निंग्स की बात करूंगा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, जिसकी वजह से डॉक्टर कलाम मेरे आइडियल हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर। नंबर वन, बड़े सपने। जिनके सपने बड़े होते हैं वो हरदम आगे खड़े होते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी में ये करके दिखाया। वे हमेशा अपनी ताउम्र लोगों के अंदर सपनों को जगाने का कार्य करते रहे। सपनों को उन्होंने एक नई परिभाषा दी कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही ना दें। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अगर आज सपना देख रहा है तो उसका श्रेय डॉक्टर कलाम को ही जाता है। डॉक्टर कलाम का जन्म एक गरीब मछुआरे परिवार में हुआ, लेकिन उनके सपने बचपन से ही बहुत बड़े थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए वे हमेशा संघर्षों का बेखौफ होकर सामना करते थे और अंत में उन्होंने अपने सारे सपने पूरे करके दिखाए। उनका जीवन अपने आप में एक मिसाल है कि बड़े सपने कोई भी देख सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितने भी गरीब परिवार का हो, वो बड़े से बड़ा सपना देख सकता है। डॉक्टर कलाम ने हम जैसे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को न सिर्फ बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी, बल्कि बड़े सपने देखने की हिम्मत भी दी। उनके शब्दों में, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको बड़े सपने देखने होंगे। और डॉक्टर कलाम साहब, आपको बताना चाहता हूं कि आपके हिंदुस्तान ने बड़े सपने देखना शुरू कर दिया है।